ये जो आपने बात कही एक औरतों की तादाद ज्यादा है, ये साबित तो करें। हर मर्द और हर औरत शादी के लिए क्वालिफाई नहीं करते। हम तो जाहिल माशरे के लोग हैं, जहां पे बच्चा बिगड़ जाता है तो कहते शादी कर दो, हाँ वो नशा करता शादी कर दो, पता नहीं कौन से जालिम लोग होते हैं। हमारे यहाँ मर्द एक और भी वजह पेश करते हैं कि चूंकि जी औरतों की तादाद ज्यादा है, और चूंकि जो औरतें जो लड़कियां जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं किसी भी वजह से, तो हम उनसे दूसरी शादी कर लें, निकाह कर ये साबित भी तो करें। लें। ये जो आपने बात कही है कि औरतों की तादाद ज्यादा है, ये साबित तो करें। मेरे कहने से तो नहीं होगा ना, दुनिया भर में स्टैटिस्टिक्स होती है ना, शुमारियात होती है ना, बिल्कुल कि कितनी औरतें हैं कितने मर्द हैं बिल्कुल पूरी दुनिया में, बिल्कुल ऐसे ही है ना। ये बिल्कुल 51-52 का फर्क है, क्या फर्क हो गया भाई? बिल्कुल बिल्कुल एक 30-70 होता तो मैं आपकी बात मान लेता हाँ कि बिल्कुल 70% औरतें 30% मर्द हैं, ऐसे ही है ना। 51% मर्द है, 49% औरतें, क्या ज्यादा हो गए? और हर मर्द और हर औरत शादी के लिए क्वालिफाई नहीं करते। जिस्मानी तौर पर सही नहीं है, जहनी तौर पर सही नहीं है, माशी माली तौर के ऊपर बिल्कुल इस काबिल जो है वो नहीं है, तो नहीं करेंगे सारी। तो ये कब हो गया कि हर मर्द और औरत हर हाल में उनको फिट करने का ना। हमारे तो हम तो जाहिल माशरे के लोग हैं, जहां पे बच्चा बिगड़ जाता है तो कहते शादी कर दो, हाँ वो नशा करता शादी कर दो, पता नहीं कौन से जालिम लोग होते हैं जो किसी की बेटी को इसलिए ले आते हैं। उसको उसको भेजना चाहिए हमारे जैसे सेंटर के ऊपर, उसको काजी आके बिठा देते, उसको तो इलाज की जरूरत है, उसका इलाज कर रहे हैं ना, उसको उसकी किसी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं। और उसके बाद उसके बच्चे भी पैदा हो गए, और आपको पता है उन बच्चों को बेचारों का क्या हाल होगा और उस औरत बेचारे का क्या हाल होगा। तो ये तो किसी किसी सूरत मतलब जो है वो नहीं उतरता। हर आपको जो भी करना है ना, मैं तो बड़ा सिंपल कह रहा हूँ, आपको जो दिल करना है ना, इतने ब्रेव तो बन जाओ कि हाँ यार हम कर रहे हैं, हाँ दीन के नाम पे मत करो ना यार। भला तश्तरू भी आयात समनन कलीला, कुरान पाक कहता है हमारी आयतों को अकीर रकम में मत बेचो। वो लोग जो कुरान की आयत को जवाज बनाकर अपनी बेअमली के ऊपर काम करते हैं, कम से कम इसी गुनाह से बच जाओ, कम से कम इसी गुनाह से बच जाओ कि हाँ यार भाई भाई मैं इंसान हूं, मैं खता हूं, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे खलल हो गया, मैंने ये कर लिया, अल्लाह मुझे वो तो तौबा की तौफीक भी दे दे। जो आप सोचें कि मैं जैसा रियाकार बंदा हो सकता हूँ, खताकार हो सकता हूँ, झूठा बंदा हो सकता हूँ, पता नहीं कितने लाखों गुनाह करता होगा, गुनाह का इदराक होगा, शायद अल्लाह मेरी कोई तौबा सुन ले। अगर मैं गुनाह पे ही कायम हो जाऊं, मैं तो गुनाह ही नहीं किया, मैं तो दीन कर रहा हूं, तो मुझे तौबा की क्या तौफीक मिलेगी? मुझे क्या तौबा की तौफीक मिलेगी अगर मुझे मैं दीन के नाम पे ही काम करूंगा? तो मैं कहता हूँ कि जो लोग भी इस तरह के फतूर जहन के अंदर जो है वो लेके आते हैं, कम से कम दीन का सहारा ना ले। बाकी जो दिल चाहे करे, वैसे भी तो दुनिया भर के काम कर रहे हो ना, सूद खा रहे हो, कौन सा दीन कहता है? शराबे पी रहे हो, नशा कर रहे हो, दीन कहता है ये काम करने के लिए? झूठ बोल रहे हो, दीन कहता है? वादा खिलाफी आप कर रहे हो, धोखा दही आप कर रहे हो, ये सारे काम तो कर रहे हो दीन को, ये तो ये कर रहे हो ना दीन के नाम पे, ये भी किसी उसी उसमें ये भी कर लो।